एवरीवन, अगर आपको नए स्टाइल में नए टेस्ट के साथ चिकन रोस्ट खाने का मन कर रहा है तो ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको भी बेहद पसंद आएगा इसका टेस्ट। तो देरी किस बात की, चलिए जान लेते हैं रेसिपी को। और हाँ, रेसिपी को देखने से पहले चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 लेग पीसेस और 2 विंग के पीसेस को लेकर अच्छे से उनको वॉश करके उस पर इस तरह के कर्ड्स लगा लिए हैं। अभी इनमें मैं डाल रही हूँ आधे नींबू के रस को। तो नींबू के रस के साथ इसे हमें अच्छे से वॉश करना होगा, मतलब कि सारे चिकन के पीसेस को उसके कर्ड्स के अंदर तक नींबू के रस के साथ अच्छे से मिक्स करना होगा। और उसके बाद इन पीसेस को साइड में रख लीजिए। और उसी मिक्सिंग बाउल में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितने लाल मिर्च पाउडर और आधे छोटी चम्मच जितनी हल्दी और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून जितने गरम मसाला और 1 हरी मिर्च को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था उसको भी मैंने इसमें डाल लिया है। और थोड़े से कड़ी पत्तों को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया था उनको भी इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद थोड़े से हरे धनिए को भी इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद बचे हुए आधे नींबू के रस को हमें इसमें डाल देना है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून जितने अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी इसमें डाल लीजिए। अभी डाले हुए सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके हाथ पर कोई कर्ड्स वगैरह हैं तो आप हाथों के साथ इनको मिक्स मत कीजिए, बस स्पून के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये जो है सारे स्पाइसेस हमने डाले हैं तो हाथ में जो है वो जलन होने लगेगी। इसीलिए अगर आपको मॉइस्चर थोड़ा कम लगे तो और थोड़े से नींबू के रस को आप डालकर मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अभी जो चिकन के पीसेस हमने लिए हुए हैं उनको हमें इसमें डालना होगा। चिकन के पीसेस को डालने के बाद इस तरह से इनको अच्छे से कोट कर लीजिए बनाए हुए मिश्रण के साथ। और जो कर्ड्स हमने लगाए थे उसके अंदर तक हमें इस मसाला को इवनली कोट करना होगा। मिक्स करने के बाद इन पीसेस को साइड में रख लीजिए। और उसके बाद स्टोव पर मैंने पैन को रख लिया है। पैन में मैंने 1 बड़े चम्मच जितने तेल को डाल लिया है। और उसके बाद जो पीसेस को हमने बना के रखा है उन पीसेस को इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसको लिड के साथ कवर करके मीडियम फ्लेम पर ही, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको कुक करना होगा। बीच बीच में इसको फ्लिप करते हुए कुक कर लीजिए। लेग पीसेस को मैंने पका लिया था और उसके बाद विंग्स जो मैंने मिक्स करके रखा था उनको भी डाल लिया है। इस तरह से दोनों तरफ पलटते पलटते हुए हमें इस पर बढ़िया से गोल्डन कलर आने तक, हमें इसको फ्राई करना होगा। थोड़ा सा ब्लैकिश कलर दिखेगा क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च और हरे धनिए का इस्तेमाल किया है तो कलर थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, प्योर गोल्डन कलर नहीं, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में लगेगा, बट तंदूरी टाइप में लगेगा। खाने में तो बेहद मज़ेदार होगा, आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और आपको इसका स्वाद कैसे लगा, आपका फीडबैक जो है वो हमें कमेंट के ज़रिए शेयर कर दीजिएगा। और हम साथ ही रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।